Namaskar friends, once again I'm your language trainer Rajesh Vrisame right here and today we are just going to learn about personalities and thodi si der mein main aapko sikhaunga A to Z. Z matlab American English ka word hai, letter hai ye Z. A to Z sari personalities aur inko learn aap kaise karoge ye tarika main aapko bataunga. To aaj ka mudda hai personalities. So the very first letter of the alphabet is A. So A se bana B से बना ब्लेज बी एल ए एस ई जो इस समाज और इस संसार से पूरी तरह उकताया हुआ होता है बिल्कुल जो दुखी आत्मा होता है दैट इज कॉल्ड ब्लेज. सो सी सी से बना चैटरबॉक्स. चैटरबॉक्स कौन होता है जो चकर 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 पूरे दिन बोलता ही रहता है तो सी फॉर चैटरबॉक्स. तो डी से बनता है हमारा डोगमैटिक. डोगमैटिक एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो हमेशा वाणी तथा कर्म में अपनी बात हमेशा ऊपर रखे दैट इज कॉल्ड डॉगमैटिक. डी से एक और हमारी पर्सनैलिटी है डिफिडेंट. डिफिडेंट का मतलब होता है शर्मिला तथा झेपू. जैसे झेपू का मतलब हुआ कोई अगर खाना खा रहा है सपोज करो आप और आप उसको बोलते हैं हाँ हाँ खाजा 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 तो एकदम से वो ब्लश करना शुरू कर देता है वो झेप जाता है तो इसको बोलते हैं डिफिडेंट. ई से बना एक्सट्रोवर्ट. एक्सट्रोवर्ट एक ऐसा पर्सन जो अपने आप को छोड़कर मतलब अपने को भी लेकर और जो दूसरों के अंदर रुचि लेने में ज्यादा इच्छुक होता है उतावला होता है दैट इज कॉल्ड एक्सट्रोवर्ट. उसके बाद में एफ. एफ फॉर फ्यूरियस एकदम से आक्रामक होता है. जैसे सीरियल्स देखती हुई गर्ल्स होती हैं और उनकी जो मम्मी होती है उनको कहती है कि बेटी एक बार ये काम कर दे तो एकदम से वो झल्ला उठती है ना सारे काम मेरे को ये बता दे ये एक भी काम नहीं करता है अपने भाई को वो बोलती हैं समथिंग लाइक दैट. तो वो क्या हुई एकदम से फ्यूरियस हो जाती है. ओके ई एफ जी. जी के बाद में क्या जी से बना हमारा ग्रीगेरियस. ग्रीगेरियस एक ऐसा फेलो जो हमेशा दूसरों के साथ रहने की इच्छा व्यक्त करे दैट इज कॉल्ड ग्रीगेरियस. जी के बाद में आया एच. एच से ऑनेस्ट. ऑनेस्ट बिल्कुल ईमानदार होता है जैसे लेडीज लोग होती हैं बड़ी ईमानदार होती हैं. आई. आई से बना इंट्रोवर्ट जो बाकी लोगों में रुचि नहीं लेता है वो सिर्फ अपने आप तक सीमित रहता है किसी के यहाँ बॉम्ब गिरो कुछ भी हो उसको कोई मतलब नहीं है तो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता है तो उसको इंट्रोवर्ट बोलते हैं जो अपने आप तक ही सीमित रहे. जे. जे से बना जेलिस. जेलिस और एक जीलस वर्ड आएगा लास्ट में. जेलिस और जीलस में फर्क होता है तो जेलिस अ गाय हु इज स्ट्राइकन बाय ग्रीन आइड मॉन्स्टर जो दूसरों से जलता है वो जेलिस होता है. के से बना क्लेप्टोमैनिक. क्लेप्टोमैनिक क्लेप्टोमेनिया एक हमारी एलमेंट होती है बीमारी होती है. बचपन से ही दूसरों की चीजें चुराने की प्रबल इच्छा होती है तो वो क्लेप्टोमेनिया होती है और जो इस बीमारी से पीड़ित होता है वो क्लेप्टोमैनिक कहलाता है. एल. एल से बना हमारा एल से बना लेजी बोन्स जो बिल्कुल सुस्त होता है लेथर्जिक होता है. एल फॉर लेजी बोन्स या लेथर्जिक हो गया. ओके एल. एल के बाद में बताइए क्या आएगा. एल के बाद में आया एम. एम फॉर बना माइजर. माइजर एकदम से कंजूस आदमी जो होता है जो बिल्कुल पैसे को बिल्कुल ही खर्च करके खुश नहीं होता है बड़ा ही कंजूस होता है जो पेट्रोल पंप पे जाता है और बोलता है कि ये ले भाई 10 रुपए और 10 रुपए की टंकी मेरी फुल कर दे तो उसको बोलते हैं माइजर. एम के बाद में आया एन. एन से नोटी होता है. नोटी नोटी कोई भी हो सकता है. ओ. ओ फॉर बना ऑप्टिमिस्टिक. ऑप्टिमिस्टिक इज अ गाय जिसके अंदर पूरी आशावाद भरा रहता है आशावादी होता है हालात कैसे ही हों लेकिन उसके मन में एक ये आशा की किरण रहती है कि हाँ बस ये काम हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा. तो ओ के बाद में आया पी. पी फॉर पैसिमिस्टिक. पैसिमिस्टिक ऐसे लोग जिनकी लाइफ में एक शब्द कूट कूट कर भरा होता है तो अगर ऐसा हो गया तो ये बच्चा होता है अपनी माँ को कहता है कि माँ मैं ग्राउंड में खेलने जाऊँ और माँ क्या बोलती है ना गुम हो गया तो मम्मी मैं मार्केट चला जाऊँ ना तेरी जेब कट गई तो मम्मी मैं शॉपिंग कर लूँ ना दुकानदार ने तेरे को लूट लिया तो ये तो अक्सर कई लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देता है. तो वो लोग पैसिमिस्टिक होते हैं जो कि डार्कर साइड को देखते हैं तो आपको आशावादी होना चाहिए. पी फोर बना था हमारा पैसिमिस्टिक. क्यू. क्यू से हमारा एक वर्ड बनता है क्विजोटिक. क्विजोटिक एक ऐसा पर्सन जो पूरा दिन कल्पना के मंसूबे बांधने में बिजी रहता है
ओके, उसके बाद ये करूंगा, फिर मेरे पास थोड़े से पैसे आ जाएंगे, थोड़े से पैसे लेने के बाद ये बिजनेस शुरू कर दूंगा, ये अच्छा चलेगा, इससे इतनी कमाई होगी, फिर ये करूंगा। यानी कि शेक चिली टाइप जो होता है दैट इज कॉल्ड क्विजोटिक। आर से बना रेटिसेंट। रेटिसेंट जो आदमी बड़ा ही कम बोलता है, कम बोलने वाला आदमी रेटिसेंट कहलाता है। एस से बना हमारा स्पेंडथ्रिफ्ट, जो पैसे को पानी की तरह बहाता है, जो बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करता, दैट इज कॉल्ड स्पेंडथ्रिफ्ट। एस के बाद आया हमारा टी, टी फॉर ट्रूकुलेंट। ट्रूकुलेंट इज अ गाय जो स्वभाव तथा चरित्र में जंगली और बिल्कुल रूखा होता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग ट्रूकुलेंट। यू आपके ऊपर छोड़ा, वी से वल्गर बन गया हमारा, बड़ा ही जो अश्लील सा होता है, वल्गर मतलब ये आदमी तो नहीं होता है लेकिन वल्गर टाइप का हम लोग बोल देते हैं कि कोई उसकी बातें होती हैं ऐसी। डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। जेड मैं आपको बता देता हूँ, जेड से आपको बोलते हैं जीलस, जो गोएन गेटर होता है, कोई काम अगर उसने सोच लिया तो सोचना नहीं, उसने वो काम कर देना है एकदम से। यानी कि ठीक है मंडे से मैं शुरू करूंगा, एक तारीख से मैं शुरू करूंगा, ये काम करने के बाद ये काम शुरू करूंगा, नो ही इज नॉट दैट टाइप ऑफ गाय, ही इज गोएन गेटर, यानी कि सोच गया तो उस काम को करना शुरू कर दिया। ये कुछ वर्ड्स थे हमारे जो कि हमारी पर्सनैलिटी को शो करते हैं कि वट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी यू आर, और जिस किसी से भी आप बात करते हैं। तो आपने अभी आपका होमवर्क में दे देता हूँ, कुछ स्टूडेंट्स भी देख रहे होंगे, आपको अपने 5 फ्रेंड्स की लिस्ट बनानी है और उनके बारे में डिफरेंटली आपने बताने हैं जो जो वर्ड्स हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं, और कुछ वर्ड्स जो मैंने छोड़ दिए हैं ये जानबूझकर यू वी डब्ल्यू एक्स एंड वाई। तो इन वर्ड्स से, इन लेटर्स से शुरू होने वाले जो हमारे वर्ड्स हैं वो आप लोग चेक करेंगे और आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। हाँ, COMMENT कमेंट नहीं, इट इज कॉल्ड कमेंट। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताएंगे कि इनसे क्या बनता है, इन लेटर्स से कौन कौन से हमारे वर्ड्स बनते हैं। सो वेल इट वाज ऑल अबाउट दिस सेशन, सो आई विल मीटिंग यू लेटर ऑन फॉर द टाइमिंग, जस्ट चिल, कीप ऑन हैविंग फन, कीप ऑन यूजिंग ओनली वन लैंग्वेज दैट इज इंग्लिश।